हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांट स्टडी। क्वांट स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो हम मैथ्स का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पाइप्स एंड सिस्टर्न। ये टाइम एंड वर्क से टोटली रिलेटेड है। जैसे एजीस चैप्टर जो था रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड था, वैसे ये चैप्टर टाइम एंड वर्क से टोटली रिलेटेड है। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हम Facebook और Instagram पर भी एक्टिव हैं। जल्दी से हमें हर जगह फॉलो कर लीजिए और किसी भी अपडेट को मिस मत कीजिए। अब टाइम एंड वर्क चैप्टर पे ही मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि सारे जितने भी कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क चैप्टर से ही लिए हैं, तो पहले वो वाला चैप्टर आप कंप्लीट कीजिए। उसके अलावा मैं दो चीज़ आपको इस चैप्टर में एक्स्ट्रा और इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। जब पॉजिटिव हम यूज़ करेंगे जब पाइप जो है वो एक टैंक को फिल कर रही होगी, और नेगेटिव जब हम यूज़ करेंगे उसका मतलब होगा कि वो जो पाइप है वो पानी निकाल रही है, ड्रेन कर रही है। ड्रेन का मतलब टैंक को एम्प्टी कर रही है। बस यही दो चीज़ें याद रखना है एक्स्ट्रा, कि पॉजिटिव का मतलब है फिलिंग और नेगेटिव का मतलब है ड्रेनिंग और एम्प्टिंग द टैंक। क्वेश्चन आ गया हमारा पहला, ए पाइप ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 2 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 5 आवर्स। पाइप ए जो है 2 घंटे में कर रही है और पाइप बी 5 घंटे में कर रही है। वर्किंग टुगेदर हाउ मच आवर्स इट टेक्स टू कम्प्लीटली फिल द टैंक। अब देखिए इसमें दोनों पाइप्स भर रही हैं तो इसमें नेगेटिव वाला कंसेप्ट यूज़ ही नहीं होगा। हमने क्वेश्चन वैसे ही स्टार्ट करना जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते थे। ए के आगे लिखा 2, बी के आगे लिखा 5, इनका एलसीएम होगा हमारा टोटल वर्क, वो आ गया 10, एफिशिएंसी आ गई 5 और 2। ये सब कैसे आया है मैंने आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर में समझाया है, तो इसलिए पहले उस चैप्टर को अटेंड कीजिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप उन्होंने पूछा है कि अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितनी देर में भर देंगे। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो उनका 1 आवर वर्क होगा 7 यूनिट्स, है ना। 1 आवर वर्क हो गया उनका 7 यूनिट। 1 आवर वर्क की एफिशिएंसी होती है, यानी कि ए और बी मिलके 1 घंटे में 7 यूनिट्स भर रहे हैं और टोटल उनको 10 यूनिट्स भरना है, तो टाइम टेकन आ गया 10/7 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो पाइप हैं, वो फिल कर रही हैं 12 मिनट में और 15 मिनट में रिस्पेक्टिवली, जबकि एक सी पाइप आ गई वो उस टैंक को एम्प्टी कर रही है कितने में, 20 मिनट में। अब उन्होंने कहा अगर तीनों पाइप को हम एक साथ खोल देंगे तो कितने टाइम में टैंक फुल होगा, ठीक है। अब 12 और 15 वाली चीज़ प्लस होगी और एम्प्टी करने वाली चीज़ नेगेटिव होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था नेगेटिव का मतलब है ड्रेनिंग। तो ये हमने वैसे ही लिखा जैसे हम टाइम एंड वर्क पे। अब देखिए सी के ऊपर एक मैंने कुछ एरो सा बना, एक सिंबल सा बनाया है। आप सी के ऊपर जस्ट एक लाइन मार सकते हैं जो आपको इंडिकेट कर देगा कि सी जो है वो ड्रेन कर रहा है, ठीक है। ए के आगे लिखा मैंने 12, बी के आगे लिखा 15, सी के आगे लिखा 20। मैंने अभी यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, माइनस और प्लस मैंने आपको पहले भी बताया था हमेशा एफिशिएंसी में होता है और कहीं नहीं होता। अब इनका एलसीएम लिया, हमारे पास टोटल वर्क आ गया 60 यूनिट्स। ए की एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट भरने की, बी की एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट भरने की, सी की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट्स निकालने की। निकालने के लिए मैंने आपको बताया था हम माइनस साइन यूज़ करेंगे, तो सी आ गया -3 यूनिट। अब इन्होंने पूछा है जब तीनों पाइप्स एक साथ ओपन की जाएंगी तो कितने मिनट में टैंक फुल होगा। अब देखिए तीनों को ऐड कीजिए, 5 + 4 हो गया 9 और -3 हो गया 6, तो यानी इनके 1 घंटे का वर्क, 1 मिनट का वर्क, क्वेश्चन मिनट में दिया हुआ है, तो इनके 1 मिनट का वर्क आ गया 6 यूनिट, यानी 1 मिनट में ये 6 यूनिट भर रहे हैं जब तीनों एक साथ ओपन होंगे। तो इन्होंने टोटल 60 यूनिट भरना है, एक मिनट में ये 6 यूनिट भर रहे हैं, तो 60 यूनिट कितने में भरेंगे, 10 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप है जो टैंक को 3 घंटे में भर देती है, पर टैंक के बॉटम में एक लीकेज है जिसकी वजह से टैंक को भरने के बजाय 3.5 घंटे लगे, 3/1/2 घंटे लग गए, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि अब सिर्फ सपोज कर लीजिए कि टैंक फुल है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, सिर्फ लीकेज ही चल रही है, पाइप ए नहीं भर रही है, ठीक है, सिर्फ लीकेज है, तो वो लीकेज उस पूरे टैंक को कितनी देर में ख़त्म करेगी। अब ये आपको देखने में लग रहा होगा ये कैसे करना है। अब देखिए ये रहा कंसेप्ट, हमने क्या किया, एक टैंक जो है वो फिल हो रहा है 3 घंटे में जब उसमें लीकेज नहीं थी, अब वो फिल भी हो रहा है पर उसके साथ साथ एक लीकेज भी चल रही है, तो हमने ए प्लस सी बार, अगर उन्होंने सिर्फ लीकेज की बात की होती तो हम सी बार लेते। उन्होंने कहा है कि टैंक को ए पाइप फिल कर रही है पर उसमें एक लीकेज की वजह से वो 3 घंटे से ज़्यादा लग के 3.5 घंटे ले रहा है, तो ए प्लस सी बार। अब आपको समझ आया कि ए प्लस सी बार क्यों आया और खाली सी बार क्यों नहीं आया, ठीक है। ए प्लस सी बार आ गया 7/2, 3/1/2 की जो फ्रैक्शन, जो मिक्स फ्रैक्शन थी उसको हमने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है,
ये चीज़ मैंने आपको टेस्ट प्रैक्टिस सेशन में बताई है, तो प्रैक्टिस सेशन भी ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको इसका एलसीएम लेना भी बताया कि सिर्फ आपको फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर पे ध्यान देना होता है। तो एलसीएम लेंगे, इसका टोटल वर्क आ जाएगा जो कि होगा 21 यूनिट। अब 21 को 3 से डिवाइड किया, ए की एफिशिएंसी आ गई, और 21 को 7/2 से डिवाइड किया तो ए प्लस सी बार की एफिशिएंसी आ गई, यानी ए भर रहा है, सी बार निकाल रहा है। अब ए है 7 यूनिट, ए प्लस सी बार है 6 यूनिट। जब आप ए प्लस सी बार में ए की वैल्यू भरोगे तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी -1 आ रही है, और आपको इसी से ही पता चल गया कि आपका क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि सी की एफिशिएंसी के साथ माइनस लगा, यानी वो निकाल रहा है। तो इन्होंने बस यही पूछा है कि अगर वो सी एक घंटे में एक यूनिट निकाल रहा है तो उसे 21 यूनिट का जो टैंक है उसको पूरा खत्म करने में कितना टाइम लग जाएगा, 21 घंटे। इसमें आपने माइनस नहीं लगाना है क्योंकि माइनस सिर्फ एफिशिएंसी में, प्लस माइनस जो होगा सिर्फ एफिशिएंसी में होगा, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ड्रेन कर रहा है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है दो पाइप्स हैं ए और बी, वो एक टैंक को 15 और 12 घंटे में भरती हैं, और थर्ड पाइप आ गई सी जो उसको 4 घंटे में खाली करती हैं। अब ये पाइप एक साथ नहीं ओपन कर रहे, इनको हम अलग अलग टाइम इंटरवल पे ओपन कर रहे हैं। ए को हम खोल रहे हैं 8 बजे, बी को खोल रहे हैं 9 बजे, सी को खोल रहे हैं 11 बजे। तो इन्होंने क्या है, 11 बजे के मतलब सी को खोलने के बाद अब तो तीनों पाइप पर रनिंग है क्योंकि 11 बजे तक बंद किसी को नहीं कर रहे हैं, हम एक को खोल रहे हैं और खुला रख रहे हैं, ठीक है। तो तीनों पाइप जब रनिंग है तो ये कह रहे हैं कि टैंक जो है कितनी देर में खाली होगा। वैसे ही हमने लिख लिया ए 15, बी 12, सी बार 4, इनके एलसीएम आ गया टोटल वर्क, इनकी एफिशिएंसी यहाँ पर आ गई 4 यूनिट, 5 यूनिट, -15 यूनिट। तो जब ये तीनों काम करेंगे ना तो -6 यूनिट, यानी कि जब ये तीनों काम करना शुरू हो जाएंगे तो टैंक जो होगा वो ड्रेन होगा, टैंक फिल नहीं होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था ना, वो फिल हो रहा था 6 यूनिट, इस क्वेश्चन में ड्रेनिंग की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन में जब तीनों पाइप एक साथ काम करेंगी तो वो टैंक को ड्रेन करेंगी। अब इन्होंने कहा, अब ये एक साथ तो खुल नहीं रही, सबसे पहले खुल रही है ए जो पाइप है वो 8 बजे खुल रही है, और ए पाइप क्या करती है, ए पाइप फिल करती है। हमने देखा कि सबसे लास्ट टाइम कौन सा दिया हुआ है, हमें सबसे लास्ट टाइम दिया हुआ है 11 बजे का। तो ए जो है 11 बजे, ए बी सी के सी पाइप शुरू होने से पहले तो सिर्फ फिलिंग का ही काम हो रहा है ना, तो हमने सबसे पहले ए को देखा, ए 11 बजे तक कितना फिल कर रही है। तो ए की एफिशिएंसी है 4, और 8 से 11 के बीच में है 3 घंटे का डिफरेंस, तो 4 3 12 यूनिट्स, ठीक है। 12 यूनिट्स ए ने भर दिया 11 बजे तक। वैसे ही हम बी पर काम करेंगे, बी 9 बजे शुरू हो रही है और 9 से 11 के बीच 2 का गैप है, तो 5 2 10। तो इससे हमें पता चल गया कि ए और बी ने 11 बजे तक तो भाई 22 यूनिट का टैंक भर दिया। अब 12 यूनिट के 11 बजे के बाद सिर्फ ड्रेनिंग का काम शुरू होगा क्योंकि ए बी और सी तीनों पाइप सब खुल चुकी हैं, और तीनों पाइप जब खुलती थी तो वो 6 यूनिट को निकाल लेती थी एक एक घंटे के गैप में, ठीक है। तो जब 22 यूनिट हमने भर लिए, अब इसके बाद क्या होगा, 6 यूनिट ड्रेन होगा। तो 6 यूनिट जब ड्रेन होगा, 22 यूनिट को ख़त्म करने में उनको कितना टाइम लग जाएगा, 22/6 आवर्स, यानी कि 11/3 आवर्स, 2 से काटा हमने। इस 11/3 आवर्स को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन आ गई 3 2/3 आवर। ये कैसे आई, मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में बताया है कि एक नॉर्मल को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और मिक्स को नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हमें देखना है कि जो हम ये 3.5 घंटे 3 2/3 आवर्स जो हैं ये हम किस वाले टाइम में ऐड करेंगे। अब देखिए 8 से 11 तो फिलिंग का काम चल रहा था, 9 से 11 भी बी ने अपना काम कर लिया। जो हमने जो ये 3 2/3 और जो हमने निकाला है ये 11 बजे के बाद का काम है, इसीलिए ये 3 2/3 और 11 बजे के बाद ऐड होगा, इस ना कि 8 और 9 बजे के बाद ऐड होगा। क्यों? क्योंकि 3 2/3 आवर्स का जो वर्क है वो 11 बजे के बाद हो रहा है, तो वो 11 बजे में ऐड होगा। जब 11 बजे में, अब मैंने आपको फ्रैक्शन में ये भी चीज़ बताई थी, जब 3 2/3 जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो तो उसको कैसे लिखना है, तो 3 2/3 को जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में 3 2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 11 में हमने 3 2/3 ऐड किया, 11 3 तो सीधा सीधा हो गया 2 बजे। अब 2/3 आवर्स 2 में हमने ऐड करने हैं। 2/3 आवर्स हम कैसे ऐड करेंगे, हम वो चीज़ तो ऐड नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे 2/3 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 2/3 हमने एज इट इज़ लिखा, अब आवर को जब हमने मिनट में करना है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 2/3 को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2/3 को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 40 मिनट, तो 2 घंटे
40 मिनट, यानी कि 2:40 पर पूरी टैंक जो हमारा टैंक था वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में को आपने सॉल्व करना तो सीखा ही सीखा, उसके साथ साथ आपने इस क्वेश्चन में नया कंसेप्ट सीखा कि और को मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ पाइप ए इन 2 hours एंड पाइप बी इन 6 hours। तो हमें क्वेश्चन का स्टार्ट यहाँ से मिल जाएगा। एट 10 AM पाइप ए वॉज ओपन, 10 बजे पाइप ए ओपन कर दी थी। एट वॉट टाइम, देखिए 10 बजे तक पाइप ए ही ओपन की है, बी नहीं की है। एट वॉट टाइम टैंक विल बी फिल्ड इफ पाइप बी इज ओपन एट 11, यानी कि 11 बजे के बाद अगर पाइप बी को ओपन किया, ए तो रनिंग है ही है, 11 बजे के बाद बी को ओपन कर रहे हैं, बी को हम 10 बजे नहीं ओपन कर रहे, 11 बजे ओपन कर रहे हैं, तो टैंक कितनी देर में भरेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। हमने वैसे ही लिखा ए बी, उनकी टोटल वर्क निकाला, एफिशिएंसी निकाली। अब 11 उन्होंने, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जो सबसे लास्ट टाइम दिया होता है ना हमें उस टाइम तक जाना होता है। सबसे पहले ए ने काम शुरू किया और 11 बजे जो है हमारे पास सबसे लास्ट टाइम स्लॉट दिया हुआ है, तो 10 से 11 के बीच एक ही घंटे का गैप है, तो ए जो है 3 यूनिट का काम कर लेगा 10 से 11 के बीच। ठीक है, अब रिमेनिंग काम कितना बचा, 6 में से 3 निकाल दिए, 3 यूनिट बचे। अब ये 3 यूनिट ए प्लस बी ने भरने हैं, पर ए प्लस बी 1 घंटे में 4 यूनिट भर रहे हैं, तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, 3/4 hours। रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए 3/4 hours लग जाएंगे, और को मैंने आपको मिनट में कन्वर्ट करना सिखाया था। 3/4 को जब आप 60 उससे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास मिनट की कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब ऑब्वियसली बात है कि ये जो 3/4 hours का जो काम हुआ है वो 11 बजे के बाद हुआ है, तो वो जो मिनट्स में जो भी टाइम आएगा वो 11 बजे के बाद ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 11:00 कुछ। वो कितने मिनट हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, क्योंकि जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको उसे कन्वर्ट करना सिखाया था। हमारा 6th क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ पाइप ए इन 20 मिनट एंड कैन बी एम्प्टीड बाय पाइप सी इन 30 मिनट। इसमें माइनस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा क्योंकि सी जो पाइप है वो एम्प्टी कर रही है। इफ़ ए एंड सी आर ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट, अच्छा एक मिनट, अब ऑल्टरनेट वाला केस भी मैंने टाइम एंड वर्क में करवाया था, सेम वही कंसेप्ट है और इसमें हमने अप्लाई करना है। तो टैंक कितनी देर में पूरा भर रहा है, हमने ए का 20 लिख लिया, सी का 30 लिख लिया, रेड में लिखा है, सी के ऊपर बार लगाया है 60 यूनिट, उनके एफिशिएंसी आ गई। अब आप देख रहे हैं कि टोटल एफिशिएंसी आ रही है उनकी 1 यूनिट। अब आप देखेंगे कि 1 यूनिट वो 2 मिनट के बाद कर रहे हैं और 60 यूनिट हमें निकालना, तो सीधा डिवाइड कर दो, 60 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करो क्योंकि 2 मिनट्स में 1 यूनिट हो रहा था ना, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर में भी बताया था 60 से 3 यूनिट माइनस होंगे क्योंकि ए जो है वो भर रहा है, और मैंने ये चीज़ आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर में एक्सप्लेन की थी कि क्यों हमें 60 से वो मतलब टोटल कैपेसिटी से वो वाली कैपेसिटी हमें माइनस करनी होती है जो काम कर रही है। ठीक है, अब हमने 60 से जब 3 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 57 यूनिट्स आ गए। अब हमें पता है कि एक यूनिट जो है वो 2 मिनट में भर रहा है, तो 57 यूनिट के बनाने के लिए हम 1 यूनिट को 57 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 यूनिट को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिनट्स भी तो अपने आप मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे, है ना। तो 57 यूनिट्स जो होंगे वो 114 मिनट में कंप्लीट हो रहे होंगे, और नेक्स्ट जो मिनट होगा यानी कि 115th मिनट जो होगा वो हमारे 57 में 3 यूनिट्स और ऐड कर देगा, क्योंकि 115th यूनिट में ए काम करेगा। जैसे ही वो 3 ऐड करेगा तो हमारा टैंक जो होगा वो पूरा पूरा फिल हो जाएगा, तो जो टैंक है हमारा 115 मिनट्स में पूरी तरीके से फिल हो रहा है। इसी के साथ हमारा जो पाइप्स एंड सिस्टम चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसके सारे कंसेप्ट मैंने आपको, आपने देखे हैं, खुद ही देखे भाई चैप्टर में, कि सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर से रिलेटेड थे। ईच एंड एवरी कंसेप्ट टाइम एंड वर्क चैप्टर से रिलेटेड था, और हर क्वेश्चन में मैंने यही कहा है कि ये चीज़ मैंने आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर में बताई है, ये चीज़ मैंने आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर में सिखाई है। तो इसीलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले टाइम एंड वर्क चैप्टर्स को ज़रूर कर लेना। टाइम एंड वर्क चैप्टर जो है मैंने 2 पार्ट्स में कराया, दोनों पार्ट ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।